हैंड वॉश है। मुझे अच्छा है आपका होटल लगा। अच्छा बुरा कुछ नहीं लगा। बुरा कुछ फूड पॉइंट। सो अभी मैं आपको दूसरे जो मेरे ट्रिप के साथ, आप हमारे साथ आए थे दिल्ली से राइट, तो आप मुझे खाना थोड़ा ठीक ठाक ही है, नॉर्मल व्यू मस्त है मतलब प्रोस के लिए बोले सिस सॉरी ये है रिबो स्नो व्यू रिसॉर्ट। यहाँ पे हमारे साथ ये हुआ था कि जब हम खिड़की खोल सो अभी हम जाएंगे आगे आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग दैट इज लाइफ विद शुभी एंड श्रेया। यस लाइफ विद शुभी एंड श्रेया। एंड आज हमारा यहाँ लास्ट डे है, वी आर जस्ट गोइंग टू चेक आउट फ्रॉम हियर। सो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आगे बात कर लें। सो हम रुके थे ट्रिबो स्नो व्यू रिट्रीट में, जिसका हमने आपको पहले भी क्या दिखाया था, शुभो व्यू दिखाया था, और अभी हम आपको फिर से थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। सो हमारे रूम से बाहर ये व्यू दिखता है एंड इट इज़ रियली ऑसम। सो प्रोज में अगर बात करूँ तो व्यू इज़ अ +10 +100 प्रो। स्लीपिंग वॉज ईजी, बेड्स आर कम्फर्टेबल, बट द कॉन्स, अगर कॉन्स की बात करूँ तो द इंटरनेट वाज वन। Internet is slow. Yes, Shubhi also noted that because Shubhi wanted to watch some cartoons at night, but she couldn't. So what did you face? Severe. Slow? Slow internet. स्लो इंटरनेट। शुभी के साथ साथ मुझे भी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि यहाँ से मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करती इट वॉज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। 4G चलाएं तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन देन इट विल एग्जॉस्ट योर 4G डेटा एंड योर फोन ऑल्सो। सो आई एम न्यू टू दिस ट्रिप ब्लॉगिंग टाइप ऑफ थिंगी, सो मुझे उसके बारे में नहीं पता था। एनीवेज नेक्स्ट टाइम मे बी विल कैरी डोंगल और समथिंग। हाँ एक और कौन है जो है रूम सर्विस। रूम सर्विस बहुत स्लो है, लाइक अगर आप बोलेंगे कि यहाँ से जो ये झूठे बर्तन हैं इनको प्लीज़ उठा के ले जाइए, वो क्लियर नहीं होते कभी कभी एक एक दिन तक, एंड इट्स रियली वेरी बैड। लाइक ऐसा कौन करता है। सो देर वॉज नो क्लीनिंग द सेकेंड डे ऑफ आर स्टे। इसके अलावा कोई टॉयलेट्रीज़ के लिए कोई चेंज के लिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो टॉयलेट्रीज़ के लिए है जैसे कि हैंड वॉश या बॉडी वॉश है, सो दीज आर नॉट इन द कम्पैक्ट छोटे छोटे जो आपके कंटेनर्स होते हैं जैसे नॉर्मली हम दूसरे होटल्स में देखते हैं। इट इज़ लाइक जैसे आपके घर में हैंड वॉश है इतने बड़े कंटेनर में, वैसे है, वैसे ही बॉडी वॉश भी इतने बड़े कंटेनर में है। सो इट्स नॉट लाइक अ डेली यूज काइंड ऑफ अ थिंग। दैट्स शुभीज न्यू फ्रेंड श्रीशा। श्रीशा से हाय। हाय। अच्छा श्रीशा आप मुझे ये बताओगे कि आपको यहाँ होटल में अच्छा क्या लगा और बुरा क्या लगा। मुझे अच्छा यहाँ आपका होटल लगा। अच्छा होटल लगा। हाँ। यहाँ का व्यू अच्छा लगा। हाँ। जो तुम्हारी खिड़की से बाहर जो दिखता है वो अच्छा लगा। हाँ। बहुत सही लगा। हाँ। बुरा क्या लगा। बुरा कुछ नहीं लगा। बुरा कुछ भी नहीं लगा। हाँ। खाना भी बुरा नहीं लगा, खाना भी अच्छा लगा। खाना भी अच्छा लगा। कमिंग टू द फूड पॉइंट, सो अभी मैं आपको दूसरे जो मेरे ट्रिप के साथी हैं उनसे भी मिलवाऊंगी, वो भी आपको फूड के बारे में बताएंगे। सो आई वुड रेकमेंड यू गाइस के आप लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट ना लें, बिकॉज कल जब हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया सो देयर वाज द बेसिक ब्रेड दैट वाज मिसिंग, एंड इन अ नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट आई मीन हाउ कैन यू नॉट गिव अस ब्रेड। सो देयर वाज पोहा पोरिज, देयर वाज बॉइल्ड एग्स, देयर वाज मिल्क टी कॉफी एंड कॉर्नफ्लेक्स एंड आलू का पराठा, जो कि आलू का पराठा बीच बीच में ख़त्म हो रहा था एंड आ रहा था, दैट इज़ अ गिवन, गर्म खाना अच्छा रहता है। बट ब्रेड वॉज मिसिंग विच सम हाउ आई डिडंट लाइक, बिकॉज बच्चे के साथ आई मीन दे आर क्वाइट मोटी, एंड शुभी शर्मा ने एग खाया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शुभी शर्मा ने क्या कहा था, शुभी मुझे भूख लग रही है। यस क्योंकि शुभी शर्मा और कुछ नहीं छूना चाहती थी, सो दैट वॉज अ नेगेटिव साइन। सो अभी मैं आपको अपनी ट्रिप के दूसरे लोगों से मिलवाती हूँ एंड वो आपको बताएंगे कि उनको यहाँ पे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। हाय
हाय लिपिका, आप हमारे साथ आए थे दिल्ली से. सो आप मुझे ये बताए कि आपको इस होटल में जो कि ट्रिबो स्नोव्यू रिजॉर्ट है, इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? खाना थोड़ा ठीक ठाक ही है, नॉर्मल. एक्चुअली और ये जगह बहुत अच्छा लगा. जगह बहुत अच्छा लगा. और बुरा क्या लगा? मतलब कोई एक चीज जो आपको अच्छी ना लगी हो यहाँ पे? बुरा इतना कुछ नहीं लगा, ठीक है, नॉर्मल. नॉर्मल है, ओके. तो यहाँ पे हमारे पास कौन है? हाय, हेलो. प्लीज बताइए अपने बारे में पहले. होटल तो बहुत अच्छा है, आप व्यू देख अच्छा सकते हैं कि बाहर तरफ कितना, मतलब बाहर बादल ही बादल, कुछ दिख ही नहीं रहा. हाँ, कुछ दिख ही नहीं रहा. बहुत अच्छा होटल है, नो डाउट. खाना ठीक ठाक है, एज पर नॉर्मल खाना है. स्टाफ नॉर्मल ठीक है, सब कुछ ठीक है. होटल भी अच्छा है, पर व्यू मस्त है. मतलब प्रोस के लिए बोलेंगे कि आप व्यू के लिए आइए, कॉन्स के लिए क्या बोलेंगे कि खाना बाहर से खाइए. यस, व्यू के लिए खाना बाहर खाइए, ठीक है. बाहर से खाइए और यहाँ पे होटल में स्टे कीजिए, बहुत अच्छा है. yes. और यहाँ पे yeah. बहुत अच्छा है, दिल्ली की गर्मी से यहाँ पे बहुत राहत. हाँ, राइट. तो चलो अभी हम दूसरे रूम में चल के उनसे पूछते हैं. संगीता, आप हमारे साथ दिल्ली से आए थे इस ट्रिप पे, फागू के ट्रिप पे. तो आप हमें बताएं, आपको इस होटल में जो कि है ट्रिबो स्नोव्यू रिजॉर्ट, यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लोकेशन इज टू गुड. यहाँ पे आप आके पूरे नज़ारे देख सकते हो, बाहर माउंटेन्स हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर. वनली द व्यू इज गुड बट द फूड इज सुपर बैड. यहाँ पे खाना कभी ऑर्डर मत करो. लोकेशन इज़ टू गुड, आप यहाँ आके स्टे कर सकते हो. अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज एक ही जगह पे आपको चार पांच रूम्स मिल जा रहे हैं एक्स्ट्रा. तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट इट. बट द फूड और एक्स्ट्रा सर्विसेज, अगर आप क्लीनिंग वगैरह की बात करो, तो डोंट एक्सपेक्ट इट हियर. थैंक यू. सो मिस्टर बाला दत्ता, बाला कृष्णा दत्ता, आप बताइए आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? लोकेशन इज़ गुड, दो सर्विस इज नॉट गुड, बट व्यू एंड ऑल आर क्वाइट फैंटास्टिक. सो मतलब आप कह सकते हैं फूड इज नॉट गुड, जितने भी पैसे लगे हैं हमारे वो सिर्फ व्यू के नाम के हैं. यस यस. और आपको कितनी फ्लाइट नीचे या ऊपर जाना पड़ता है? ये एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे रूम से काफ़ी नीचे हैं रोड से, तो हमें आते समय तो हेयर क्वाइट ईजी. जब हम यहाँ से जाएंगे क्लाइम, इट्स लाइक क्लाइंबिंग ए माउंटेन. So that is a one issue here. Yeah. Otherwise, like, it is good. हाँ, so like हम लोग क्या करते हैं कि जब हम जाते हैं तो अपना सामान पूरा उठा के लेके जाते हैं कि वापस नीचे ना आना पड़े. अच्छी बात, जैसे कि मैं अभी संगीता ने भी आपको बताई कि यहाँ पे सारे रूम्स हमें साथ में मिल गए हैं. लाइक दिस, दिस इज 401, 2, 3 and 4. हमने चार रूम्स बुक करते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे अभी भी ट्रेज रखी हुई हैं. एंड ये कल शाम से यहाँ है, प्लस कल रात का कुछ कुछ सामान हो गया था. सो इट इज़ वेरी बैड. एंड अब हम बाहर में जाते हैं. आई थिंक राकेश बाहर है, तो वे आर वेटिंग कि उसका फ़ोन ख़त्म हो तो हम बात करेंगे. तब तक हम आपको थोड़ा सा आसपास का दिखाते हैं. सो मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो था ये रोज़ का प्लांट. अभी मैं इसको ऊपर चल के भी दिखाऊंगी, ये बहुत सुंदर है. एंड यहाँ पे एप्पल ऑर्किड्स भी हैं, लेकिन अभी एप्पल ज़्यादा बड़े नहीं हैं. तो आप हमारे साथ दिल्ली से आए थे, राइट? हाँ जी. तो फागू का ट्रिप आपको कैसा लगा? अच्छा है, क्या अलग है, थोड़ा चेंज अलग है. शिमला से अगर आगे आना चाहो तो इट्स अ गुड प्लेस. एंड क्राउड वाइज आप कैसे कहेंगे कि मतलब क्राउड लिमिटेड है, इट्स नॉट लाइक क्राउडेड एट ऑल. नो लाइक दीज डेज जो मनाली के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत क्राउड है, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, उसके हिसाब से यहाँ को आप कैसे रेट करेंगे? यहाँ को देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि पैर रखने जगह नहीं है. देयर इज लॉट ऑफ स्पेस, लाइक देयर लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन विजिट. देयर इज अ टेंपल कॉल्ड हाटू टेंपल, आई थिंक व्हिच इज फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस, बट इट्स अ नाइस प्लेस टू बी. होटल वाइज, फैसिलिटी वाइज फाइन. हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि होटल में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? द फर्स्ट थिंग वाज द फूड, व्हिच वाज नॉट एट ऑल गुड. एंड होटल इज फाइन, नॉट से इट्स लाइक टू गुड एंड एवरीथिंग, इट्स लाइक ठीक है, चलेगा. सो मतलब बजट होटल के हिसाब से, बिकॉज ट्रिबो इज अ बजट होटल चेन, सो बजट होटल जिस टाइप से प्रॉपर्टी है इनकी उस हिसाब से ठीक ठाक है.
और उतना भी नहीं कि हाँ दो एक दो दिन के स्टे के लिए ठीक है, नॉट फॉर 4 to 5 days स्टे के लिए, क्योंकि इनको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उनके दूसरा इनका पार्किंग जो है वो दैट्स मेजर इशू। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिबो स्नोवी रिजॉर्ट कुफरी फागू। सो अभी आप ऊपर देख सकते हैं कि हमें कितना ऊपर जाना पड़ता है, इट्स लाइक 4 flights, 4 or more than 4 flights आप जो हमें रिसेप्शन पे पहुंचने के लिए जाना पड़ता है। हमने यहाँ पे 4 rooms लिए 2 रात के लिए विद टोटल 22,000 rupees फॉर 22,000 टोटल। एंड उसके अलावा जो हमने खाना खाया उसका हमें अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था कि जब हम खिड़की खोल के चले गए, हम नहीं खोल के चले गए एक्चुअली, पहले से खुली हुई थी, हमें नहीं पता था कि वो खुली हुई है। तो जब वो खुली हुई थी और हम लोग चले गए थे, तो जब हम वापस आए तो 2-3 plates were broken already and we didn't know कि क्या हुआ। फिर जब हमने रिसेप्शन से पूछा तो उन्होंने बताया कि दिस माइट बी ड्यू टू द मंकीज, सो वो आते हैं आपकी खिड़की खोल के अंदर आ जाएंगे। अगर आपने सिर्फ अटका के उसको बंद किया है तो वो धक्का दे के भी उसको खोल सकते हैं। सो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखें, ये खिड़की ज़रूर बंद करें। जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सोलन मंडी गए, लेकिन वहाँ पे इस टाइम फ्रूट्स का टाइम ख़त्म हो चुका है। सो जो सेब थे वो पूरे लाल नहीं थे, इट वाज लाइक अ मिक्स ऑफ येलो एंड रेड, सो इसलिए अभी हमने नहीं लिए। रोड साइड जो कुछ लगे हुए हैं उसमें से प्लम वगैरह लिए जा रहे हैं। अभी राकेश मैगी खाने के लिए गया है, ठीक है, उसका बहुत मन था कि पहाड़ों में आके वो मैगी। गर्मी हाँ यहाँ गर्मी है और हवा है हल्की फुल्की, ठीक है। और मैगी मेरा ऐसे था पहाड़ों में मैगी खाने का, पर अब हो नहीं पाया तो यहीं पे खा लेते हैं बाहर उतने से पहले। अरे बाप बेटे ठीक लग रहे हैं बनाने के चक्कर में। हमने एक बहुत लंबी लाइन क्रॉस करी है जो कि पॉसिबली लोग शिमला की तरफ जा रहे हैं, एंड उस लाइन को देख के सीरियसली मैं डर गई थी कि इतने सारे लोग जो शिमला में जमा होने वाले हैं तो कोविड का खतरा कहाँ नहीं होगा। एंड अभी अगर आगे कुछ दिखता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि व्हाट इट्स लाइक। एंड इसी के साथ हमारा ये ट्रिप यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।